राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने 10 नंबर गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सी पोशाक बनाई है। बहुत ही इजी तरीके से बनाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये हमने होली के लिए बनाई है। इस तरह से टॉप अलग और मैचिंग कैप भी बनाया है। बहुत ही सिंपल तरह से बनाई है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने गोपाल जी को पहना के फोटो लगाया है। बहुत ही खूबसूरत पोशाक है। तो चलिए, हमने ये नेट फैब्रिक लिया है। ये हमने 2 पीस लिए हैं इस तरह से। देखिए, हम इसकी आपको लंबाई बताते हैं। देखिए, 41 इंच के 2 पीस हैं। इसकी चौड़ाई 7 इंच है। और सेम लाइनिंग फैब्रिक लिया है, तो लाइनिंग फैब्रिक की लंबाई हमने थोड़ी कम ली है। अब हम इसको बीच में से ज्वाइन कर लेते हैं और लाइनिंग को इधर से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। नीचे की साइड से ऊपर की साइड से हमें प्लेट लगानी है। चलिए, इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेते हैं। देखिए, स्टिच हो गया। सेम इस तरह से हम नेट फैब्रिक के 2 पीस हैं, तो उन्हें भी इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। एक किनारे वाला फैब्रिक इसे कट करके निकाल देते हैं। देखिए, अब हम पहले लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और उसके ऊपर से नेट फैब्रिक रखेंगे और इसमें प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से हमें चौड़ी चौड़ी प्लेट्स लगानी है। हमने लाइनिंग फैब्रिक कम लिया है, तो देखिए नेट फैब्रिक की हम इस तरह से प्लेट्स लगा देंगे। बीच बीच में केवल नेट फैब्रिक से लगा देंगे, फिर इसमें इस तरह से हम लाइनिंग फैब्रिक को इसके साथ सेट कर लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से बीच बीच में नेट फैब्रिक से लगाई है और हम लाइनिंग फैब्रिक को नेट फैब्रिक के बराबर कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। और इसका घेरा हमें लगभग 9.5 इंच में रखना है, तो देखिए 10 इंच है, इसमें हम सेट कर देंगे। और जो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊंचे नीचे, हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लिया। देखिए, इस तरह से हम इसे रख के देख लेते हैं, बहुत अच्छे से बैठे गए। अब हम इसमें इसकी किनारी पे टिश्यू रिबन लगा के इसे लॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन लिया है। यहाँ आप गोल्डन कलर का भी ले सकते हैं। दोनों साइड से इस तरह से मैंने लॉक कर लिया है। अब हम इसे नेफा लगाएंगे। तो नेफा के लिए मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक उसे लिया है, 2 इंच चौड़ा। इस तरह से उल्टी साइड से रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इसे फोल्ड करेंगे, पहले इसमें इस तरह से डोरी डालेंगे और इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, ये स्टिच हो गया इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम नॉट लगाएंगे, इसमें ऐसे पहनाएंगे ठाकुर जी के लिए। अब हम इसका ब्लाउज बना लेते हैं। तो ब्लाउज बनाने के लिए मैंने 20 इंच का फैब्रिक लिया है, लाइनर और नेट दोनों, और 3 इंच चौड़ा लिया है। हमने इसे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब इसमें साइड में हम टिश्यू रिबन लगा के इसे स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड इस तरह से स्टिच करना है हमें। देखिए, एक साइड हो गई, इस तरह से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सेंटर में से कट करके 2 पीस कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने 2 पीस कर लिए। अब इन दोनों को रखते हुए इस तरह से इसमें लगभग हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे। देखिए, हमने इस तरह से 4 इंच मार्क किया है और हमें नीचे भी लगभग 1.25 इंच पे एक मार्क करना है। नीचे की साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से इस पर डबल सिलाई लगा के हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है इस तरह से, तो हमारा वही रह जाएगा 2.5 इंच का। 2.5-3 इंच चाहिए हमें, उतना रह जाएगा। देखिए, हमने इसे फोल्ड कर दिया इधर से, ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे एक डोरी लगाएंगे ठाकुर जी को पहनाएंगे इसे तो बांधने के लिए। तो यहाँ पर रखते हैं, डोरी लगा देते हैं इस पर। देखिए, इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। तो देखिए, टॉप पार्ट भी रेडी हो गया है। डोरी कट कर देते हैं, इस तरह से इसे पहनाएंगे ठाकुर जी के लिए फोल्ड करते हुए। इसे साइड करते हैं और हम अब पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। इसको साइड से हम इस तरह स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर दिया हमने और इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इससे भी स्टिच कर लेते हैं हम। इसमें हम सिंपल सी एक फ्रिल लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें एक सिंपल सी इस तरह से बना के लगाया है, इससे देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और इस तरह से फोल्ड करेंगे
अंदर की साइड को इस तरह इसे स्टिच कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरह से पगड़ी बनाएंगे हम, बहुत ही आसान बनाने में और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे एक्स्ट्रा इसे कट कर देते हैं, इसे फोल्ड करके इस साइड से भी स्टिच कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नेट के दो कलर के फैब्रिक लिए हैं जिसे हम फ्रिल बनाएंगे। तो एक फैब्रिक है 4 इंच चौड़ा और एक है 3 इंच चौड़ा। इन दोनों को फोल्ड करके दोनों आपस में स्टिच कर लिया है और इस तरह से इसको कलगी बना ली है हमने। इसे हम सुई से स्टिच कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें धागा लपेटते हुए इस तरह नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम नॉट लगाएंगे। देखिए सिलने में टाइम लगता है, इस तरह से निकलता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। इसी धागे को इसमें जुड़ा रहने देते हैं, इससे हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर स्टिच कर देंगे बैक साइड से। देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे हम। स्टिच हो जाएगा, ठीक रहेगा, बिल्कुल निकलता नहीं है। और यहाँ पे आप ग्लू से चिपका भी सकते हैं, ग्लू से, ग्लू गन से, किसी चीज़ से भी चिपका सकते हैं। देखिए मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया। फिर हमने एक फ्लावर बना के रखे हैं, ये भी नेट से बनाया है, और इनको स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने इसे भी स्टिच कर लिया है, हमने इसे कुछ भी ग्लू गन से नहीं लगाया है, ग्लू से सारा स्टिच किया है। और इस तरह से हम ड्रेस को भी डेकोरेट करेंगे। ये पगड़ी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हम ड्रेस को रेडी कर लेते हैं। तो हमने ड्रेस में इस तरह से फ्लावर बना के रखे नेट फैब्रिक से, इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे इस तरह से रखते हुए ना स्टिच करेंगे। देखिए हमने फ्लावर स्टिच कर लिए हैं, ब्लाउज में भी स्टिच कर लिया और स्टोन भी स्टिच कर दिया है, स्टोन बटन। ड्रेस हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही खूबसूरत पोशाक है। ये पोशाक हमने 10 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है, 10 और 11 नंबर ठाकुर जी के लिए आराम से आएगी। इस तरह से हम ठाकुर जी को पहनाएंगे इस पोशाक को, इस तरह से नोट लगा के पीछे इसको पहनाएंगे। और यहाँ पे इस साइड बैक साइड में इस तरह से नोट लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत पोशाक है, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।